केंद्र सरकार के नौ वर्ष की उपलब्धि के विषय में हम जगह जगह वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को साफ सफाई रहे और आगे भी ठीक ठाक सा रहे। नौ वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे हुए हैं सुशासन के रूप में, उसके उपलक्ष्य में हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें पर्यावरण भी एक कार्यक्रम है जिसमें हमें जगह जगह पौधे लगाने हैं। आज हमने तारामंडल पर जाकर बाकर भाई के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया है, 8 पौधे लगाए हैं। पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, शहर स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां कम होंगी। कल मन की बात है, मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि मन की बात प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कहेंगे, उनकी मन की बात सुने और उनके जो विषय हैं उस पर अमल करें। देखिए ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 साल हो गए केंद्र में चलते हुए, उसी उपलक्ष्य में हम जगह जगह पौधे लगा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ पर हमने जो तारामंडल है रामपुर में, यहाँ पर हमने पौधे लगाए हैं और एक हम संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। पर्यावरण बचेगा तो इंसान बचेगा, बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। हमने सबने पौधे लगाए हैं और आप जो भी है सब लोग हमारे साथ में, हमारे प्रमोद आहूजा जी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, विवेक रोहिला जी है, जवाहर भाई, हमने 8 पौधे लगाए, 40-50 लोगों को हमने जोड़ा, हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सारे जी। उम्मीद ये करेंगे कि बिल्कुल 2024 का हमारा चुनाव है और तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान के। पार्टी की नीतियाँ ये देखिए, पार्टी की नीतियाँ सब जानते हैं कि पहले यहाँ पर किसी के दरवाजे तक नहीं थे, किसी की छतें नहीं थी, जो 2.5 लाख के मकान लोगों को फ्री में, 2.5 लाख के मकान बन गए, 5 लाख की उनको इलाज हो रहा है, उनका राशन 3 साल से फ्री मिल रहा है। और क्या स्कीमें चाहिए, बहुत स्कीमें हैं, किसानों के लिए भी हैं, सभी के लिए हैं।